एबीपीएस न्यूज की टीम बुलारी ब्लॉक क्षेत्र के गांव सौदासपुर पहुंची, जहां पर ग्राम प्रधान ने बताया कि वो लगातार तीसरी बार ग्राम प्रधान बने हैं। 15 वर्षों तक उन्होंने इस गांव की सेवा का संकल्प लिया है और वो संकल्प आज भी जारी है। उनका मानना है कि सरकार विकास के काम तो ज्यादा बताती है, लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं आ पाता, जिसकी वजह से गांव का विकास करवाना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पैसा सही से भेजे और उसकी मात्रा अधिक हो तो विकास के कार्य भी ज्यादा होंगे। वैसे इस गांव में कोई भी समस्या ना होने की बात भी उन्होंने कही। यहां इंटर कॉलेज से लेकर प्राथमिक विद्यालय आदि सभी शिक्षा के साधन उपलब्ध हैं, जहां बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आने वाले समय के लिए भी ग्राम प्रधान के पास तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीणों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। मैं ग्राम प्रधान सौदासपुर मोहम्मद यासीन, तीसरी बार प्रधान हूँ लगातार, और जो भी गवर्नमेंट ने पैसा भेजा है मैंने सही सोच समझ के विकास कार्य में लगाया है, जिससे गांव का विकास हुआ है। लेकिन कम पैसा होने की वजह से कुछ विकास कम हो पा रहा है। केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है और गुजारिश भी है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजे और विकास कार्यों में जो है काम आए, क्योंकि गांव में पैसा कम आने की वजह से विकास नहीं हो पाता और गांव में जो है तरक्की नहीं हो पाती। केंद्र सरकार अगर ज़्यादा पैसा भेजेगी तो विकास कार्य ज़्यादा होंगे। लिहाजा कहना ये है कि पैसा जब आएगा जब ही काम हो पाएंगे, और कोई परेशानी नहीं है वैसे गांव में, लेकिन पैसे की दिक्कत की वजह से विकास कार्य नहीं हो पाते। तो सबसे ज़्यादा गाँव में ही दिक्कत है, अगर गांव में वैसा ज़्यादा आएगा तो सही लगेगा और विकास कार्य ज़्यादा होंगे। सौदासपुर राकेश सिंह, यहाँ का ही सौदासपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गांव के प्रधान मोहम्मद यासीन जी हैं, जिन्होंने गांव की जितनी भी गांव के लिए योजना आई हैं सरकार से, उनका बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वयन किया है और हम सभी ग्रामीण जन उनका सहयोग करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी बात की परेशानी नहीं है, हमारे गांव का अच्छी तरीके से विकास हो रहा है। आगे भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं, प्रधान जी से जो भी योजनाएं आएंगी उनका अच्छी तरीके से यहाँ निर्वाह किया जाएगा। हमारे गांव के प्रधान बहुत ही बढ़िया हैं, जब से बने हैं हमारे गांव में काफ़ी विकास हुआ है और सड़कें भी सारी बहुत बढ़िया हैं और आवास भी बने हैं हमारे यहाँ पर, और टॉयलेट्स वगैरह का जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम चल रहा है वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। गांव की काफ़ी उन्नति हुई है जब से यासीन प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं।